नमस्कार। दिनांक 23 अप्रैल 2019 मंगलवार के दैनिक राशिफल के साथ हम आप सभी के समक्ष यहां उपस्थित हैं। 12 ही राशि वाले जातकों के लिए क्रमबद्ध तरीके से कौन सी व्यवस्थाएं सामने आ सकती है, इसकी हम चर्चा करेंगे। शाम के 5:15 तक चंद्रमा वृश्चिक राशि, तो उसके बाद में धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, बालव करण रहेगा। कई बार हम अतीव आनंदित महसूस करते हैं और गौरवान्वित महसूस करते हैं जब बातचीत में आप लोग ये कहते हैं कि मुंबई की लोकल में सफ़र करते वक्त, दिल्ली की मेट्रो में सफ़र करते वक्त, एक शहर से दूसरे शहर जाते वक्त हम आपको सुनते हैं। ये क्षण हमारे लिए गौरवान्वित और आनंदित करने वाला पूरे तरीके से होता है कि उस सफ़र में हम भी आपके हम सफ़र बन के लगातार साथ में उस गंतव्य की ओर जाते हैं। हम इसी संकल्प के साथ लगातार आपसे बढ़ते रहेंगे कि समय के इस विधान को डिकोड करके लगातार आपके समक्ष रखने का प्रयास करते चले जाएं। मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति ये याद रखे कि ज्योतिष समय की उन व्यवस्थाओं को दर्शाने का सबसे बड़ा माध्यम है, फल सूचनाओं को सब दर्शाने का सबसे बड़ा माध्यम है। मेरी प्रकृति में कई बार कहा जाता है कि एक विद्रोह की स्थितियां झलकती है, वो सिर्फ इसीलिए है कि मैं ज्योतिष को समय के उस विधान के साथ जोड़कर देखता हूं। आप समाधान को सेकेंडरी बेसिस पे लीजिए, रेमेडीज को सेकेंडरी बेसिस पे लीजिए, सर्वप्रथम इस चाल को समझने का प्रयास कीजिए। कोई भी व्यक्ति हमारे पास में आकर यह नहीं कहता, अगर वो अपने संघर्षों के हालात के साथ जूझ रहा है तो वो यही कहता है कि मैं इससे नेक्स्ट स्टेप लेना चाहता हूं। वो ये नहीं कहता कि मैं इसी दिन आसमान की बुलंदियों को छूना चाहता हूं। ये डिफरेंस है और यही है समय की उस चाल के बारे में निर्धारण। व्यक्ति उस समय की चाल के साथ में सामंजस्य बिठाकर चले, इसी वजह से ज्योतिष एक प्रमुख हमारे लिए सामंजस्य का रूप लेकर आती है और समय के उस विधान का स्वरूप सामने लाकर प्रदर्शित करने का कार्य करती है। यहां मेष राशि वाले जातकों के लिए अगर चर्चा की व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया जाए तो जो ट्रैवलिंग आपको पिछले 2 से 3 दिनों से फ्रस्ट्रेट कर रही थी, परेशान कर रही थी, आज वही ट्रैवलिंग आपको सुकून देने का कार्य करेगी। क्योंकि आप जब भी अब ट्रैवल करेंगे तो कोई ना कोई एग्जीक्यूशन के फेस के साथ में जाएंगे, भले ही वो बिजनेस हो चाहे नौकरी की पोजीशन। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए शाम के 5:15 के बाद से ये स्थितियां पुरजोर तरीके से बनी हुई है। ट्रैवलिंग को अगर थोड़ा सा आगे तक लेकर जाएं और कोई भी आपके जो आपकी पोजीशंस है या फिर व्यापारिक गतिविधियां हैं उन्हें शाम के 5:15 के बाद क्रियाकलाप की ओर लेकर जाएं तो जो भय और संशय पूरे दिन बना हुआ था वो बड़ी ही आसानी से आगे हट जाएगा आपके रास्ते से और आप बढ़ते चले जाएंगे बड़े ही क्रमबद्ध तरीके से। वृषभ राशि वाले जातकों की अगर हम चर्चा करते हैं तो कुछ रोग आपको सताने का कार्य कर सकते हैं, किंतु अगर आप औषधि के निर्माण कार्य से जुड़े हुए हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जहां पर R&D किया जाता है या फिर आयुर्वेद के किसी भी ऐसे कामकाज से जुड़े हुए हैं, सफलता निश्चित तौर पर आपको मिलती हुई दिखाई देती है। व्यय की अधिकता आज भी बनी रहेगी पिछले दिनों की तरह, उससे घबराने और चिंतित होने की आवश्यकताएं कतई नहीं है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शिक्षा के विकास क्रम में एक उन्नति की स्थितियां बनी हुई है, आप उन्नति के साथ में अपने शिक्षा को बढ़ाते चले जाएंगे। कोई भी रिजल्ट की प्रतीक्षा है और अगर वो रिजल्ट इस दिन आने वाला है, शुभ समाचार मिलते हुए पूर्ण रूप से आपके लिए दिखाई देते हैं। क्षमताओं को धारण करने की स्थितियों की बात की जाए और लाभ की बात की जाए तो वो भी प्रखरता के साथ में सामने आती है और आपके गति को संचालित करते हुए दिखाई देगी। कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज भी हृदय को उद्वेलित करने वाली स्थितियां पूर्ण रूप से बनी हुई है, वहां से आपको निजात मिलने की आशंकाएं बहुत कम है। किसी फ्लैट की पोजीशन आदि का मानस बना रहे हैं और उसके लिए खरीदारी करने के लिए जाना है तो ये दिन अच्छा कहा जा सकता है। कर्म में प्रखरता बनी रहेगी, ऑफिस में जो कई बार आलस्य व्याप्त रहता है या फिर हमें लगता है कि काम को टाल दिया जाए, आज वो प्रवृत्ति बिल्कुल भी कर्क राशि वाले जातकों के सामने नहीं आएगी। आप अपनी रफ्तार के साथ बड़े ही अच्छे से आगे बढ़ने का कार्य करते चले जाएंगे। सिंह राशि वाले जातकों के पराक्रम में वृद्धि होती हुई देखी जा सकती है। भाई बहनों से कोई भी सहयोग लेना हो तो आप इस दिन जरूर जा सकते हैं। महत्वाकांक्षाएं चरम पर सिंह राशि वाले जातकों के लिए इस दिन रहती है, ये चंद्र राशि के ऊपर बेस्ड है। आपकी जो चंद्र राशि है उसी के बेसिस पर सारी की सारी कैलकुलेशंस कीजिएगा। पराक्रम में वृद्धि और भाई बहन भी हमारे एक तरह से पराक्रम के द्योतक के रूप में ही जीवन में रहते हैं, जो सबल और संबल देने का कार्य करते हैं, उनसे कोई भी सहयोग लेने में आपको हिचकिचाने की आवश्यकताएं नहीं है। कन्या राशि के जातक कुटुंबी जनों के साथ में थोड़ी सी दिक्कत और परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है,
किंतु वाणी के साथ में जो एक व्यवहार की स्थिति रहती है वो भी बिगड़कर व्यापारियों के लिए सामने आ सकती है। व्यापार और व्यवहार, देखिए व्यापार का कोई पार नहीं, वो है व्यापार, और साथ ही साथ में व्यापार के साथ व्यवहार भी पूरे तरीके से चलता है। तो उस व्यवहार को कहीं भी जीवन से दूर मत होने दीजिएगा, उसको बहुत गहरे से स्थापित करके रखिएगा। अगर व्यवहार में तलखी आई तो हमारे बिजनेस के ऊपर वो स्टेन लगाने का काम कर सकती है, एक ग्राहक भी हमसे दूर होता है। देखिए आधुनिक बिजनेस की थ्योरी हो चाहे पुराने बिजनेस की पुरानी व्यापारिक थ्योरीज हो, वो यही कहती है कि जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है वो हमेशा हमारे पास में सुरक्षित रहे, नए जुड़ते चले जाएं वो एक बात अलग है। तो कन्या राशि वाले जातकों को उस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि पुराने ग्राहक कहीं भी हमसे असंतुष्ट होकर इधर उधर नहीं जाएं। तुला राशि वाले जातक अगर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के कामकाज से जुड़े हुए हैं, म्यूजिकल इंस्टीट्यूट इंस्ट्रूमेंट के कामकाज से जुड़े हुए हैं, कोई म्यूजिकल इंस्टीट्यूट अगर आप चलाते हैं, उन सारे के सारे क्षेत्रों के अंदर आपके लिए रिजल्ट बड़े ही अच्छे रहने वाले हैं। अगर आप गृहस्थ का सहयोग उसके भीतर चाहते हैं तो उस और भी जाइएगा, रिजल्ट और शानदार तरीके से आपके समक्ष निकल कर आने का कार्य करेंगे। वृश्चिक राशि वाले जातकों को अनिद्रा का रोग सता सकता है और वो भी अज्ञात भय के कारण। जॉब में छोटी सी कहासुनी हो गई और आप पूरे तरीके से ये मानेंगे कि शायद मुझे यहां से अब अलविदा कहने की नौबत आ जाए या फिर मुझसे रेजिग्नेशन मांग लिया जाए, दूसरी कोई पोजीशन के अंदर मैं खुद फील करूं, ऐसी कतई कोई भी स्थिति नहीं है। आपको चिंतित होने की आवश्यकताएं नहीं है, अज्ञात भय को दूर हटाइए, अनिद्रा के रोग को खुद के साथ में बिल्कुल भी पनपने मत दीजिएगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां इस दिन में बनी हुई है। अगर आप इंट्राडे के साथ में जुड़े हुए हैं या फिर लॉन्ग टर्म में आपने कोई शेयर परचेस कर रखा था, स्पेसिफिकली धनु राशि वाले जातकों के लिए मैं बता रहा हूं कि लॉन्ग टर्म पे आपने कोई शेयर परचेस कर रखा था, इस दिन उस शेयर को संभालिएगा जरूर। और अगर उसका मूल्य आकस्मिक धन लाभ वाली स्थितियों के साथ में ठहरता है तो उसको सेल आउट करने के लिए भी जरूर जाइए, फिर नए सौदे के लिए जाएं, उसे हित कर कहा जाएगा आपके लिए। मकर राशि वाले जातक, अगर राजनीतिक जीवन के साथ में आपका कोई भी हस्तक्षेप चल रहा है तो कोई भी ऐसी वाणी जिसको अनर्गल कहा जाए तो उस स्थिति की तरफ आपको लेकर नहीं जाए, ध्यान रखिएगा, सुख का निर्माण इतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ में कुंभ राशि वाले जातकों को भाग्य का सपोर्ट पूर्ण रूप से मिलता हुआ इस दिन में दिखाई देता है। सरकारी नौकरी में ऊपर के अफसरों के साथ में कोई भी कठिनाई आपको महसूस नहीं करनी पड़े, उसका भी एक हद तक ध्यान रखने का कार्य कीजिएगा, बचकर चलने की कोशिशें कीजिएगा। और साथ ही साथ में भूतकाल की कोई स्थितियां अगर आपको पूर्वाग्रह के साथ सताने का काम करती है तो उनको भी अवॉइड कीजिए। चंद्रशेखर अष्टकम सुबह के समय आपको निकलकर जो है कामकाज की ओर जाना चाहिए, और साथ ही साथ में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जो एक महत्वपूर्ण स्थिति और निकल कर आती है उसमें एक पोजीशन यह है कि आपके जब पराक्रम में वृद्धि होती है तो कई बार आप खुद को एक स्तर के ऊपर मान के ओवर कॉन्फिडेंस में आके खुद की हानि का भी काम करते हैं, उससे बचकर चलिएगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए आज भी कई तरीके की हिडन प्रॉब्लम्स निकल कर सामने आ सकती है। पानी वाली जगह के आसपास काम करने का अगर आपको ऑफर आता है या फिर आप कोई ऐसी जगह खुद का अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो मेल आदि जरूर कीजिएगा, उन क्रियाकलापों के साथ में अग्रसर रहिएगा। संतान से सुख में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, उनके द्वारा कई तलखियों वाले समाचार निकलकर सामने आएंगे, तो वहां से खुद को फ्रस्ट्रेट करने की ओर बिल्कुल भी नहीं जाएं। तो यह था 12 ही राशि वाले जातकों के लिए 23 अप्रैल के दिन का राशिफल। अगले दिन के साथ मैं फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत आभार।